हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं गेम्स HD और स्वागत है आपको मेरे चैनल में। तो आज हम खेलने वाले एक और नया विराट कोहली करियर मोड का एपिसोड, और ये हम खेल रहे हैं क्रिकेट 19 पे। जितने लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब मार देना, और सब्सक्राइब करके भाई सब बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाए। और जितने भी लोग मेरे फीफा के भैया गेम प्ले देखने वाले लोग हैं, और जो जिन लोगों को पता नहीं है कि हमने नया चैनल बना लिया है, तो एक नया चैनल हमने बनाया है जहाँ पे हम फीफा के वीडियोज या पेस के वीडियोज जो अपलोड करते हैं, तो जाके चेक इट आउट कीजिए। उसका नाम है AJ फीफा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी चेक कर सकते हो। वहाँ पे किसी न किसी वीडियो का लिंक जो आपको जरूर मिल जाएगा, तो गो एंड चेक इट आउट अगर आपको पसंद आता है वहाँ पे, और कंटेंट आपको लगता है कि भाई सब देखने के लायक है, तो सब्सक्राइब जरूर करना वहाँ पे जाके, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिलती जाए भाई साहब। और अब चलते हैं सीधा आगे, और आज हम खेलने वाले विराट कोहली करियर मोड का नया एपिसोड, और यहाँ पे IPL के मैचेस शुरू हैं। तो अब ट्राई करेंगे विराट के साथ। फिलहाल तो यहाँ पे विराट भाई जो है कप्तान नहीं है, बिल्कुल भी कप्तान नहीं है, कोई और ही दूसरा कप्तान है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है, इसके पहले मैंने जितने ही मैच खेले, 3 या 4 मैच खेले थे, तो उसमें जो कप्तान था भाई वो हमेशा पहले टॉस जीतने के बाद बैटिंग ले लेता था, तो उसकी वजह से जो रन चेज वाली टीम रहती थी ना वो हमेशा ही जीत जाती थी। तो अब हम यहाँ ट्राई करने लगे कि आज एटलीस्ट हमको रन चेज करने हैं, तो आई होप सो जितने रन चेज करने हैं वो बहुत ही बढ़िया जाए और हम यहाँ पर रन चेज कर लें। तो सनराइजर्स हैदराबाद के साथ ये मैच है और 178 का टारगेट है, हम ट्राई करेंगे इस टारगेट को अचीव करने का। तो यहाँ पे हाईलाइट ही दिखने आने वाला है, पहले बता दूँ शॉर्ट गेंद थी लेकिन हमने सीधा खेलने की ट्राई की और टोटली बीट हो चुके हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट बॉल फिर से थोड़ी शॉर्ट थी लेकिन इस बार सीधा खेला, पंच किया था और गेंद 4 रन की तो बिल्कुल नहीं जाने वाली है, लेकिन मुझे लगता है 2-1 रन तो यहाँ मिल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बैटिंग, 2 रन हमको यहाँ मिल चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। सनराइजर की टीम को धो सकते हैं आज अगर हम अच्छे से खेल लें तो। भाई साहब, मैंने आपको लास्ट टाइम पूछा था कमेंट में कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, बहुत सारे लोगों ने बताया नहीं मुझे यार तुम्हारी फेवरेट टीम कौन सी है। कितने लोग RCB के फैन है मेरे कमेंट बॉक्स में दिख जाने चाहिए, जितने RCB के फैन है जल्दी जल्दी बता देना। बहुत ही बढ़िया 2 रन चुरा लिया हमने यहाँ पे, अगर यहाँ पे रनआउट का चांस हो सकता है लेकिन रनआउट हुआ नहीं भाई, तो अच्छी बात है। ओके, थोड़ी सी बाहर गेंद थी, हल्के से पुश करना चाहते थे लेकिन हल्के से पुश नहीं हुआ, थोड़ा जोरदार पुश हो गया लेकिन अच्छे तरीके से नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, रन तो आए हमको यहाँ पे। शॉर्ट गेंद और इस पर बैट लगा दिया, बाहरी किनारा लगा और गेंद जाएगी सीधे जाने के लिए। यहाँ पर मुझे कभी कभी लगता है कि 19 वाले ना कुछ ज़्यादा ही नाइंसाफी कर देते हैं, मतलब ऐसे तो नहीं हो सकता यार, तो टेनिस बॉल से भी ज्यादा फास्ट चलेगी गेंद, मतलब इतनी तेज कैसे जा सकती है यार, ये नहीं समझ में आया मुझे कभी। ओके, फिर से थोड़ी पीछे गेंद थी लेकिन इस बार पंच कर दिया है गैप में और कवर्स में जाएगी गेंद, यहाँ पे 1 रन मिलेगा, ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, 1 रन तो मिलता ही रहेगा, तो वो ज्यादा बढ़िया बात है। स्ट्राइक रोटेट होते रहनी चाहिए, काफी अच्छा वाला टारगेट है। ओके, 82 ही चाहिए हमको, ज्यादा चाहिए। ये पुल पड़ा है हमारा पहला इस मैच का, और ये गेंद गैप में तो गई है लेकिन 4 भी चली गई, मुझे लगा 4 नहीं जाएगी लेकिन चली गई फाइनली, चलो अच्छी बात है भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। फिर से कवर ड्राइव कर दिया है गैप में, और गैप में पुश तो कर दिया लेकिन मुझे लगता है 4 तो नहीं जाएंगे लेकिन 2 हम जरूर ढूंढ लेंगे यहाँ पे भी। ओके, बहुत ही बढ़िया। सबसे बढ़िया बात ये कि नॉन स्ट्राइक एंड पे भाई वेरन फिंच ऑलरेडी बहुत धो रहा है, मतलब मुझे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये शॉट ठीक ठीक था, उतना अच्छा तो लगा लेकिन बहुत बढ़िया था। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि नॉन स्ट्राइक एंड पे जो है एरन फिंच बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहा है और कंटिन्यू धोए जा रहा है, मतलब जितने रन मैं यहाँ पे अगर 10 बना रहा हूँ तो वहाँ पे 30-40 बना दे रहा है, ऐसा इतना फर्क आ रहा है। और ये हवाई फायर और हमारे बैट्स निकलता हुआ पहला 6 हो सकता है इस मैच का ये, और बहुत ही शानदार जानदार शॉट, और 29 गेंदों में 37 की जरूरत है, तो 6 तो सीधे ही कम हो गए, मतलब इससे ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे 6 कम हो गए। बहुत ही बढ़िया शॉट, ये देखो गजब गजब शॉट है भाई साहब, गजब गगनचुंबी छक्का लगाया इस पर, ऐसे शॉट्स की जरूरत है हमको। और फिर से गेंद ऊपर, इस बार फिर से हवाई फायर, क्या ये 6 होंगे 4 होंगे या फिर बाहर होंगे, नहीं मिले तो 6 हो गए भाई साहब, बाहर नहीं हुए। बहुत ही बढ़िया शॉट और 6 रन और मिले यहाँ पे विराट कोहली के बैट से कंटिन्यू निकलते हुए 6 और इससे पता चल रहा है कि टीम जीतने वाली है भाई साहब, RCB आज जीतने, रन चेज वाली टीम जो है मोस्टली जीतती है यहाँ पे, क्रिकेट 19 का पता नहीं क्या फंडा है, ऐसा होता ही भाई। 5 इंची 18 गेंद पे और यहाँ पे भी सीधा खेल दिया है, और मुझे लगता है 1 ही मिल पाएगा, 2 की ट्राई करना चाहते लेकिन 2 का हुआ नहीं है, और दूसरे एंड पे जो बैट्समैन है मुझे लगता है वही रन बना देगा, मोइन अली खेल रहा है, वैसा ही हुआ भाई, जीत गए हम तो। रॉयल चैलेंजर्स बुन पाए 7 विकेट, तो ये बहुत बढ़िया बात थी कि मेरे साथ में जो प्लेयर्स थे वो भी खेल रहे थे, तो अच्छी बात है। फिलहाल तो मैच जीत गए लेकिन अब देखना आने वाले मैचेस है, अगर वहाँ पे भी हमको रन चेज का ऑप्शन मिलता है तो हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हमारा कप्तान आके भाई साहब बैटिंग कर लेता ना तो फिर दूसरी टीम 100% जीत जाती है, फिर क्या ही कहें। तो नेक्स्ट मैच हमारा दिल्ली कैपिटल्स के साथ होने वाला, और इस मैच में हम ट्राई करेंगे हमारी जो है ना पहले बॉलिंग आए, मतलब बैटिंग बिल्कुल ना आए, अगर जिसने बैटिंग ले ली तो फिर फ्लोट हो जाएगी, तो हम नहीं चाहते कि बैटिंग आए, हम चाहते हैं बॉलिंग है और रन चेज जो हम यहाँ पे करें और धमाकेदार बैटिंग फिर से करने की ट्राई करें। सो ये देखो दिल्ली कैपिटल्स ने भैया पहले बैटिंग कर ली और रन बना लिया, ओ भाई बैटिंग ही नहीं आई, हमारे दोनों प्लेयर ने मैच जिता दिया, 10 विकेट से रॉयल चैलेंजर्स ये मैच जीत गए, तो कितने रन बनाए उन्होंने, डिविलियर्स और फिंच नहीं खेल गए भाई, डिविलियर्स ने 95 बनाए और फिंच ने 69, बताओ बताओ हमारी जरूरत नहीं पड़ी।
मतलब तो कतई बेइज्जती होगी, विराट कोहली की जरूरत नहीं पड़ी। चलो कोई बात नहीं, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट मैच जो हमारा होने वाला किंग्स इलेवन पंजाब के साथ, और हम प्रे करेंगे वापस कि यहाँ पे भी जो है ना पहले बैटिंग जो किंग्स इलेवन पंजाब ही कर ले और हमको बॉलिंग करने का मौका मिले, और बॉलिंग करने का जो हमको रन चेज करने को मिलेगा वहाँ रन चेज में हम बिल्कुल तोड़ फोड़ बैटिंग करने की ट्राई करेंगे। ओके बहुत बढ़िया, सुन ली भगवान ने हमारी। ओके कितने का टारगेट भाई साहब, ये जल्दी बता दो हमको जरा टारगेट, फिर ज़्यादा मजा आती खेलने में। विराट कोहली आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए, 400 और 6150 से क्या क्या बात है। पहली गेंद शॉट और पुल कर दिया, जबरदस्त शॉट गैप में भी गई, गेंद जाएगी चार रन के लिए, टारगेट 170 का, चार गई नहीं भाई, जाएंगी नहीं जाएंगी। ओ भाई रोक लिए, दो ही ले लो, वो तो आती बेइज्जती होगी, मतलब हमको लगा कि चली जाएगी, गई नहीं गेंद भाई साहब, बहुत गलत बात है। तो फिर से शॉट गेंद और फिर से पुल, इस बार कोई भी माइकल आली इस गेंद को रोक नहीं पाएगा, गेंद जाएगी सीधे दर्शकों के बीच में और आज तक रॉयल स्टैक के बीच में पहुंची गेंद, बताओ। स्पिनर हो चाहे कोई भी हो, अभी हम तोड़ फोड़ ही करने वाले और बहुत ज़्यादा जो है मारने वाले और पिटाई कर रहे हैं हम, और कंटिन्यू पिटाई करते रहेंगे। बहुत ही बढ़िया शॉट विराट कोहली के बैट्स निकलते हुए, ताबड़तोड़ शॉट। तो कंटिन्यू रो में दो जीत चुकी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और क्या इस समय ओ बहुत ही बड़ा वाला छः मिलेंगे भाई साहब यहाँ पे, क्या बात है। फील्डिंग जवान ने कहीं और सेट की थी और मार कहीं और खा रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है भाई साहब। कहीं फील्डिंग पूरी लेग स्टंप पे की है, गेंदे ऑफ स्टंप पे फेंके जा रहे हो, तो क्या मतलब है इस फील्डिंग का बताओ। लेग स्लिप तक लगा कर किसी बंदे ने, ओके इस बार थोड़ी गेंद की है और बहुत ही बढ़िया शॉटिंग, उतनी ही उम्दा फील्डिंग वहां पे किंग्स इलेवन पंजाब के फील्डरों के द्वारा। ओके ऊपर की थी गेंद, ड्राइव कर दिया, गैप पे गेंद गई है, क्या ये धीरे से ही चार पहुंच जाएगी। जी हाँ बहुत ही सुंदर कवर ड्राइव और चार रन हमको यहाँ पे और मिल गया, बहुत ही सुंदर बैटिंग अभी तक चलती हुई, लेकिन दूसरे एंड से विकेटें भी गिर रही है, गलत बात है भाई। बहुत बढ़िया गुड पंच, लेकिन फील्डर मौजूद और एक रन भागने की सोच तो रहे, लेकिन अच्छा हुआ सोच हुआ अपने मन तक ही रखा, ज़्यादा बाहर नहीं निकला। ये शॉट बढ़िया गैप में भी गई है, ये गेंद मुझे लगता है कि दो दिला सकते हैं लेना चाहे, लेकिन लिए नहीं भाई डर के मारे। बहुत ही बढ़िया नेक्स्ट बॉल, ओ ये बहुत अंदर आई गेंद, मुझे लगता है कहीं रिव्यू ले ले लो, मत लो यार मुझे डाउट है, गेंद काफी अंदर आई है और कहीं फंस ना जाए यार, प्लीज प्लीज। बहुत बढ़िया और देखें जहाँ बॉल ट्रैकिंग कहाँ जा रही है गेंद। ओके पिचिंग आउटसाइड ऑफ और गेंद आ रही है अंदर की तरफ, और क्या ये स्टंप पे भी लग रही है क्या, नहीं मिसिंग है भाई, अंपायर कॉल, बच गए हम। अंपायर बहुत स्मार्ट है अपना, कोई टेंशन नहीं है, आरसीबी की तरफ से खेल रहा है, समझ लो तुम, अब वो भी चाहता है कि हैट्रिक हो जाए आरसीबी की यहाँ पे, जीतने में यार, हारने में नहीं जीतने में होनी चाहिए, ये सोच रहे हैं हम लोग। ओके बहुत ही बढ़िया शॉट, थोड़ा सा गैप में भी है, मुझे लगता है डीप का फील्डर आ जाएगा और बॉल रोक लेगा, लेकिन हम दो के लिए भागना भाई दिल के अंदर ही अरमान रह जा रहे हमारे, बाहर आ ही नहीं रहे, क्या बताऊँ मैं तुमको। फुल टॉस गेंद और हवाई फायर मोहम्मद शामी को पड़ा, बहुत बड़ा लक्ष्य है, और विराट कोहली के बैट्स जल्दी आकर उगलता हुआ सिक्स था, क्या बात है, क्या ही जबरदस्त कमेंट्री हो रही है, मतलब क्या ही तारीफ करूँ मैं खुद की, अब तुम कर दो यार नीचे कमेंट सेक्शन में, तुम क्यों लिख रहे हो। फिर से शॉट गेंद, इस बार जबरदस्त पुल, ओ भाई साहब ये पुल तो विद स्विंग गया है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ओ सीधा खेलने की ट्राई की थी लेकिन फील्डर मौजूद है, लेकिन एक रन तो मिल जाएगा, सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं भाई साहब यहाँ पे, बिल्कुल ट्राई नहीं कर रहे कि हर बॉल पे शॉट नहीं मारेंगे। फिर से फुल टॉस गेंद, इस बार तो मारेंगे, इस बार बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, फुल टॉस गेंद को कैसे छोड़ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया शॉट, छः रन और मिले हमको यहाँ पे, ओ बहुत ही सही, जितनी ज़्यादा फुल टॉस मिलते हैं हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट, ओ एक और मिल गई भाई, बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्या बात है भाई साहब। जिमी नीशम है शायद, ये बहुत ज़्यादा मार खा रहा बेचारा, और हमारे लिए अच्छी बात है, 50 में 71 चाहिए तो सीधे 6 और कम हो चुके हैं हमारे लिए, और इसी के साथ विराट कोहली ने 50 भी जड़ दिए, 6 छक्के 2 चौके 27 गेंदों में और 44 मिनट खड़े रह गए, बहुत मारा भाई इन लोगों को। ओके हल्के हाथों से खेल दिया गैप में और यहाँ पर मुझे लगता है एक रन मिल जाएगा, दो सोचे हमने और रिस्क ले भी लिया, क्या दो कंप्लीट हो जाएंगे, जी हाँ कंप्लीट हो गए। बहुत ही बढ़िया शॉट, ये फिर से गैप में खेला लेकिन डीप में फील्डर मौजूद है वहां पे, कोई बात नहीं, लॉन्ग ऑफ था वहां पे, अगर लॉन्ग ऑफ नहीं होता ना तो शायद हमको बन सकती थी कुछ, लेकिन ये भी थोड़ी फुल टॉस ही गेंद, हवाई फायर कर दिया है, क्या यहाँ पे ये गेंद 4 रन के लिए जाएगी, बहुत ही, क्या बात है, जबरदस्त फील्डिंग वहां पे किंग्स इलेवन पंजाब के फील्डर की तरफ से, और 2 रन सेव कर दिए अपनी टीम के लिए, 30 गेंदों में 43 रन की जरूरत है भाई साहब, मतलब 30 बॉल 43 रन, कैसे ना कैसे खिलाने पड़ेंगे। फिर से फुल टॉस गेंद और हवाई फायर, विराट कोहली के बल्ले से निकलता हुआ एक और तड़कता भड़कता छे, जबरदस्त बैटिंग, बहुत ही सुंदर शॉट, ऐसी फुल टॉस आती रहेंगी थोड़ा मेरा टेंशन कम हो जाता, प्रेशर कम हो जाता भाई, ये लोग फुल टॉस डाल देते हैं तो फायदा हो जाता है, लेकिन इस बार गुड लेंथ पे गेंद और हल्के हाथों से फिर से खेल दिया गैप में, यहाँ पे 2 रन चुरा सकते हैं फिर से,
अगर दो मिल जाएंगे तो अच्छा है। दूसरे के लिए फिर से भाग गए हैं, क्या रन आउट का चांस है? नहीं, बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट और विकेटें कंटिन्यू जा रही है, लेकिन 22 गेंदों में 30 रन चाहिए। और बहुत ही बढ़िया शॉट, फिर से गैप में ट्राई किया था लेकिन एक रन मिला है, गैप पे तो नहीं गया पूरी तरह से लेकिन एक मिल गया। और अब मैक्सवेल को लाया उन लोगों ने, मैक्सवेल या तो मरवा देंगे जीता। और पहली गेंद मैक्सवेल ने फुल टॉस कर दी और विराट कोहली ने भी मैक्सिमम लगा दिया उस पर, और ये 6 रन और मिलेंगे यहाँ पे। बहुत ही सुंदर शॉट और इससे क्रूशियल मोमेंट में ऐसी गेंदबाजी करना मतलब काफ़ी मुझे लगता है खराब होगा किंग्स इलेवन पंजाब के स्वास्थ्य के लिए। और फिर से फुल टॉस और विराट कोहली के बैट से निकलता और जबरदस्त शॉट, लेकिन इस बार फील्डर वहाँ मौजूद तो मात्र एक ही रन मिला, दूसरा तो मिल नहीं पाया भाई बिल्कुल भी, दो हो सकते लेकिन एक ही मिला। ओके फुल टॉस, गेंद हवाई फायर और ये गेंद भी जाएगी सीधे दर्शकों के बीच में, और 6 रन और बहुत ही सुंदर शॉट और 6 रन मिल गया यहाँ पे भी। लवली बैटिंग बाय विराट कोहली। ओके 2 रन चाहिए 10 गेंदों में और ये नो भी डाल दिया, बहुत बढ़िया सिंगल ले लो मैच खत्म है, एक तो नो का मिल जाएगा और एक वैसे ही हो जाएगा। जी हाँ हो चुका है काम, बहुत ही सुंदर बहुत बढ़िया, ऐसे ही चाहिए था मेरे को, नो बॉल की भाई बंदे ने, पर क्यों की मुझे नहीं समझ आया। तो रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु जीत गई है 5 विकेट से मैच और कंटिन्यू रो में 3 मैचेस जीत लिए आरसीबी ने, तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया, हैट्रिक लगा ली हमने फाइनली, नहीं तो इतने टाइम से जो हम हार रहे थे ना, जो पहले बैटिंग करने के चक्कर में हार रहे थे भाई, वो बहुत ही खराब एक्सपीरियंस है। अगर आप भी क्रिकेट 19 में करियर खेलते हो कुछ और खेलते हो सिमिलर, जब भी आप करते हो तो सेकेंड इनिंग वाली जो टीम रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम वो ही टीम जीत जाती है, तो ऐसा ना हो तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने ट्राई करना है कि आप हो सके तो टॉस जीतने के बाद भाई बॉलिंग ले लो और कुछ मत लो। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएंगे तो थोड़ा लाइक मार देना, शेयर करना दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर फर्स्ट टाइम ये विजिट कर रहे हो। और जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, अगर आप चाहते कंटिन्यू उसके एपिसोड आते रहे तो भैया लाइक तो मार ही दिया करो, कमेंट करना तो बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।